नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मेरे वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर जी, और कॉपी मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बहुत लोगों का सवाल आता है कि सर कैसे तैयारी करें, आखिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए कि हम तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वह कैसे तैयारी करते हैं। मैं आप ही की बातों को आप ही के सामने पेश करने का प्रयास करूँगा, आप समझने का सिर्फ प्रयास कीजिएगा। जैसे आप स्टडी करते हैं तो हम लोगों को पता नहीं है कि जो भी फार्म निकलता है, या वह बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, या आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हो, या एसएससी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जीडी की तैयारी करते हो, या एनटीपीसी की तैयारी करते हो, सब चीज़ की तैयारी करें। लेकिन हमें क्या ये वास्तव में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हम लोग जो भी फार्म आता है, या बिहार का हो, बिहार दरोगा का हो, या यूपी पुलिस का हो, या बिहार पुलिस का हो, तो हम उसका सारा फार्म डाल लेते हैं। और डालने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग फार्म भर दिए हैं और तैयारी हम कर रहे हैं। हमको ये पता नहीं होता है कि हम तैयारी वास्तव में करें क्या, क्या ऐसा चीज़ पढ़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो क्या ऐसा चीज़ हम पढ़ें, तो ध्यान देंगे कि इम्पोर्टेंट बता ही नहीं रहता है बच्चों को कि हम क्या पढ़ना चाहिए। जैसे हम तैयारी करते हैं किसकी, तो भाई बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, और सिलेबस पता नहीं है। जो मास्टर पढ़ाता है बच्चे पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम सही पढ़ रहे हैं या सही नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके मन में होना चाहिए। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं, या दरोगा का तैयारी करते हैं, या आप जीडी का तैयारी करते हैं, या जिस चीज़ की तैयारी करते हैं, उसकी आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है आप समझिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, ये जो है पूरा आपका मान लीजिए समुद्र है। क्या है? समुद्र है, और हमें इसमें पढ़ना है। हमें समुद्र में से पानी उतना ही निकालना है कि जितना हमसे ज़रूरत हो। तो ये पढ़ाई जो है, पढ़ाई का जो सागर होता है, ये पूरा समुद्र है, और समुद्र में से हमें उतना ही पानी निकालना है जितना हमें क्या है, ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं, कोई व्यक्ति आता है, जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं कि हमारा जो मन होता है वह छोटा सा बच्चा के समान होता है। और बच्चा का समान इसलिए होता है कि भाई हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, जो भी पढ़ते हैं या करते हैं, तो हम लोग को पता नहीं रहता है कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन जो है बदलता रहता है। कोई आता है टीचर और पढ़ाता है पूरे अच्छे तरीके से, तो लगता है कि हम भी शायद टीचर बन जाते हैं। अगर कोई दरोगा आता है और दरोगा अपने स्टाइल में आएगा पूरा एकदम, और बताएगा कि मैं ये करता हूँ, तो हमारे अंदर एक बच्चा पैदा होता है और बोलता है कि हम भी दरोगा बनेंगे। तो अगर कोई आता है कि इंग्लिश टीचर आ गए और इंग्लिश खूब बोले, खूब बताए, उसके बारे में बताते, तब लगता है कि हमें इंग्लिश बनना चाहिए। हम छोटे से थे तो उस समय इंग्लिश पढ़ रहे थे, आज काश मैं पढ़ता तो मैं भी इंग्लिश बोल पाता। अभी कभी कभी आप डांस में जाते हैं, मंचन पर जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि भाई अच्छा एक डांसर आकर बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रहा है। अब सोचते हैं, आपके मन में एक बच्चा पैदा होता है कि हाँ हमें एक डांसर बनना चाहिए, हमें एक ये करना चाहिए। कभी कोई आता है व्यक्ति, कोई कंप्यूटर के बारे में बताता है कि कंप्यूटर ये होता है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें कंप्यूटर ही सीखना चाहिए। तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के बच्चे हैं, तो उस बच्चे को छोड़कर हमें एक बार डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। हमें टीचर बनना है, हमें दरोगा की नौकरी लेनी है, हमें जीडी की नौकरी लेनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ पढ़ते रहते हैं, तो हमेशा इसमें से पानी निकालना है। तो कभी हम लोग किसके लिए पानी निकाले, जीडी के निकाले, कभी दरोगा के नहीं निकाले, इसके लिए निकाले, और थोड़ा सा पानी निकाले और फिर वहीं पर सीमित हो जाते हैं, यानी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन न कर पाते हैं। तो हम कहने का मतलब कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पूरा ज्ञान का सागर है, और सागर में से हमें उतना ही पानी निकालना है कि जितना हमें ज़रूरत है, उतना ही पानी निकालना है कि जितना हमें क्या है भाई, ज़रूरत है। तो प्रयास नहीं करेंगे, उतना ही पानी निकालेंगे जितना कि हमें आवश्यकता हो। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी लगभग, मैं आपको बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ।